एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रॉम अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन से मैंने जो भी चीज़ें पिक की है, जो जो मुझे रिसीव हो रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आज का वीडियो जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सारे वेरिएशंस दिखाने वाली हूँ, जैसे कि गाउन और कुर्तीज़, और मतलब डेली वेयर के लिए भी है और पार्टी वेयर के लिए भी है। सो यस, सो एक मिक्स हॉल है। सो अफोर्डेबल कुर्तीज़ भी आपको मिल जाएंगे, और पार्टी वेयर कुर्तीज़ और या फिर गाउन भी आपको देखने मिल जाएंगे, विच इज़ ब्रांडेड। सो यस, डेफिनेटली आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे फैशन अपडेट्स मिलते रहे। लाइक कर देना वीडियो को, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और सबके लिंक्स आपको माई हॉल स्टोर में मिल जाएंगे, वन सिंगल लिंक माई हॉल स्टोर। खोलते ही आपको इस तरह के पिक्चर्स दिख जाएंगे, पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ से जो ना अमेज़ॉन के पेज पर डाइवर्ट किया जाएगा, जहाँ से आप शॉप कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू ऑल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आपको ना थोड़े सटल शेड्स दिखाने वाली हूँ, सो यू विल डेफिनेटली लव। और द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम ब्रांड इंडिया एंड साइज इज़ मीडियम। एक्चुअली इंडिया का ना कभी कभी कोई कोई आउटफिट जो है ना, साइज़ का कभी कभी इशू हो जाता है मेरे साथ, सो आई ऑलवेज गो फॉर एन अपर साइज़। जैसे कि मैं स्मॉल साइज़ वेयर करती हूँ, बट आई हैव गॉन फॉर मीडियम इन दिस कुर्ता। मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी, इन केस मुझे लगा कि आपको स्मॉल ही बाय करना चाहिए, मतलब ट्रू साइज़ है, या फिर आपको एक साइज़ अप जाना चाहिए। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन ऑन स्क्रीन, तो वो आपको देखना है ठीक से। सो ये जो कुर्ता है ना, इसे तो टर्म किया गया है कुर्ता, बट इसे आप गाउन भी टर्म कर सकते हो, बिकॉज ये लॉन्ग है, और अगर आप इसे गाउन की तरह भी वेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो। लॉन्ग कुर्ता है तो आपको बॉटम में कुछ यू नो पहनने की ज़रूरत नहीं हो, आप टू जस्ट वेयर साइकिलिंग शॉर्ट्स या जैसे भी, एंड यू आर रेडी टू गो। और ये जो गाउन है ना, ये मुझे इतना अच्छा लगा, फैब्रिक इज़ रियली नाइस, इट इज़ सिल्क फैब्रिक, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और ग्रे कलर है। सो बहुत सटल शेड है, बहुत ही क्लासी लगता है ऐसे मतलब ऐसे आउटफिट्स काफ़ी क्लासी लगते हैं जिनके शेड्स बहुत सटल होते हैं। एंड इट इज़ हैविंग अ बोट नेक, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ओपन नेक दिया हुआ है, यू कैन सी ये टैग ही निकल के आ रहा है सी इस तरह से, ठीक है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर ना ये सीक्वेंस और जरी का वर्क है, गोल्डन सीक्वेंस जरी वर्क दिया हुआ है अपर पोर्शन में, एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज़ प्लेन, और घेर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा। एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम प्लेन लुक, और यहाँ पर ना इस तरह से जिप दी हुई है, सो यू कैन ओपन एंड वेयर, ताकि यू नो पहनने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जिप दी हुई है। सो यस, आई सीरियसली लव दिस। अंदर से इनर भी प्रोवाइडेड, एक शाइनी फैब्रिक प्रोवाइडेड, इफ यू कैन सी। डोंट थिंक ट्वाइस इन केस यू वांट टू बाय दिस, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल होगा पहनने में, और अंदर का इनर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, यू कैन सी। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, आई विल हाईली रिकमेंड यू, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सेकेंड इज़ दिस वन, सो दिस इज़ अगेन फ्रॉम ब्रांड इंडिया, एंड साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया है, जो कि मुझे मतलब मैंने इसे पहले बीच में एक बार पहना था इन सेंस ऐसे घर ही घर में, मतलब देखने के लिए किसका लुक कैसा आ रहा है, तो मुझे ये प्रॉपर आ रहा था। सो यहाँ पर ट्रायल भी आप देख रहे हो, तो साइज़ स्मॉल इज़ परफेक्ट फॉर मी इन दिस आउटफिट, और मेरा बस साइज़ है 34, तो मैं स्मॉल साइज़ वेयर करती हूँ। आप अपने हिसाब से जो है साइज़ को चूज़ कर सकते हो, साइज़ चार्ट एक बार चेक कर लेना। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जॉर्जेट मैक्सी ड्रेस है, सो आई सीरियसली लव दिस, और राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड, यू कैन सी। अपर पोर्शन जो है ना, इस तरह से फॉल्स मिरर लगे हुए हैं, फॉल्स मिरर और जरी वर्क है, सीक्वेंस का भी वर्क है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ सीक्वेंस वर्क, और ये जो है ना ये फॉल्स मिरर है। अंदर से इनर प्रोवाइडेड है, आप देख रहे हो ये शाइनी फैब्रिक है, और शॉर्ट स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर गोल्डन पाइपिंग भी है, और अपर पोर्शन आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर इस तरह से ना प्लीट्स किए गए हैं, और प्लीट्स को यहाँ पर स्टिच किया गया है, और प्लीट को इस तरह से जो है ना फ्लेरी लुक दिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे इस तरह से ना दुपट्टे का लुक आ रहा है, बट एक्चुअली ये यहाँ पर स्टिच्ड है। और फ्रॉम बैक साइड ये दुपट्टा जो है इस तरह से ना एक साइड से आपको दुपट्टा मिल रहा है, विच इज़ नॉट डिटैचेबल, ये इसमें ही अटैच किया गया है मैक्सी ड्रेस में ही, सो इसलिए काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक है। और इस तरह से गोल्डन बेल्ट भी दिया हुआ है, क्लोथ बेल्ट, जिस पर अगेन फॉल्स मिरर लगे हुए हैं, कैन सी। सो इस तरह से बेल्ट प्रोवाइडेड है जो आपको टाई करना है,
और इस तरह से टैसल भी दिए हैं। गाउन एक्चुअली काफ़ी ब्यूटीफुल है, मैक्सी ड्रेस, फैब्रिक एंड सी जॉर्जेट फैब्रिक, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा है। पिंक कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है और अंदर से इस तरह का इनर प्रोवाइडेड यू कैन सी। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस वन एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्लेन लुक। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट इज दिस वन, सो दिस इज अगेन मैक्सी ड्रेस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और यू कैन सी नेक किस तरह से दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज ऑफ शोल्डर, इस तरह से इसका लुक आएगा और ट्रांसपेरेंट स्लीव्स है। यहाँ जो अपर पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज़ ऑल ट्रांसपेरेंट और ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। और ये जो है ना दिस इज़ नेट फैब्रिक अटैच्ड, यू कैन सी दिस इज़ ऑल नेट और नेट पर इस तरह से ब्यूटीफुल ये जो शेड है ना ये मोव शेड जो होता है ना वो वाला शेड है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी है और सीक्वेंस का वर्क है। सो आई सीरियसली लव दिस। और अंदर से इनर जो है ना यू कैन सी इनर भी प्रोवाइडेड है। सो दिस इज़ ऑल्सो मैक्सी ड्रेस बट इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और घेर काफ़ी ज़्यादा है इस ड्रेस में। और शेड आप देख लो यार, शेड मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है इस तरह का शेड देखने के लिए। और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम लुक। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और माय हाइट इज़ 5'1", तो आप इमेजिन कर लो कि ये आप पर मतलब इसकी लेंथ कैसी होगी। सो 5'1" मेरी हाइट है और यहाँ पर भी ज़िप प्रोवाइडेड है तो बहुत ही इजी हो जाएगा पहनने के लिए, ठीक है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस टू, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर कोई ओकेशन है आपके घर में, पार्टी हो या फिर घर में शादी भी है, होता ना कि नाइट वेडिंग्स के लिए भी इस तरह के मैक्सी ड्रेस चल जाते हैं। तो मैं आपको 3 ऑप्शंस दिखाए हैं इस वीडियो में, कोई भी आपको पसंद आ रहा है डेफिनेटली ग्रैब, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट इज़ दिस पैरट ग्रीन कुर्ता सेट। इसमें जो मेरा साइज़ है इट इज़ मीडियम, मीडियम से ही स्टार्ट होता है। और ये ओवरऑल कुर्ता सेट जो है इट इज़ इन पैरट ग्रीन कलर एंड कॉटन फैब्रिक। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड मुझे लगा कि चलो जिन लोगों को इस तरह के शेड्स अच्छे लगते हैं मेरी तरह तो वो बाय कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कुर्ता, यू कैन सी द कलर इज़ रियली नाइस एंड इस तरह से नेक प्रोवाइडेड है और गोटा का वर्क है, गोटा वर्क आपको नेक एरिया में मिल जाएगा इस तरह से, और जरी वर्क भी है और गोटा वर्क भी है। लेट मी चेक द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अंदर से ना एक नहीं मतलब ये जो फैब्रिक है ना ये ओवरलैप किया गया है सो इसलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही है और वैसे भी फैब्रिक ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो यू कैन सी ब्यूटीफुल सा प्रिंट भी बना हुआ है इस तरह से और यहाँ पर एक लहरिया प्रिंट है, मतलब डिफरेंट फैब्रिक अटैच्ड है विद गोटा वर्क एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम प्रिंट। स्ट्रेट कुर्ता है, साइड कट इज़ प्रोवाइडेड और मुझे ये कुर्ता सेट बहुत अच्छा लगा। इन केस आपको इस तरह के लुक पहनना पसंद है सो आप इसको ले सकते हो अपने लिए। और कुर्ता सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे और इसका जो पैंट है ना इट इज़ हैविंग इलास्टिक और पॉकेट्स आई गेस यस इट इज़ प्रोवाइडेड। सो पॉकेट प्रोवाइडेड है एट द राइट साइड और कॉटन फैब्रिक है, लहरिया प्रिंट दिया हुआ है, बॉटम की विड्थ जो है इतनी है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है। और इसके साथ जो दुपट्टा है, दुपट्टा इज़ रियली नाइस, इट इज़ इन कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड पैरट ग्रीन कलर, सो कॉम्बिनेशन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन और यू कैन सी दुपट्टा बहुत प्यारा है। सो इन केस आपको ये अच्छा लग रहा है डेफिनेटली ग्रैब कर लेना, अभी सारे साइजेस अवेलेबल है सो गो फॉर इट। सो नेक्स्ट इज़ दिस ब्लैक कलर बेसिक कुर्ता फ्रॉम ब्रांड रंगरीति और साइज़ मैंने चूज़ किया है 32, सो आई गेस इस स्मॉल साइज़। और मैंने ये ब्लैक एंड वाइट कुर्ता इसलिए लिया बिकॉज मुझे कभी कभी कोर्ट भी जाना होता है तो मैंने इसलिए ये वाला चूज़ कर लिया। आई वॉन्टेड दिस फॉर माई कोर्ट विजिट्स क्योंकि कभी कभी कुर्ता भी वेयर कर सकते हैं। सो
आई हाईली रिकमेंड यू दिस इन केस आप मतलब नॉर्मली कहीं जा रहे हो तभी भी आप इसे वेयर कर सकते हो, ऑफिस वेयर के लिए तो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। सो काफ़ी यू नो स्मार्ट लुक आता है इस तरह की कुर्ती में और काफ़ी मतलब थोड़ा सा ऑफिशियल लुक आता है, सो यू कैन गो फॉर इट। और इसके जो स्लीव्स है ना इस तरह से 3/4 है और यहाँ पर इस तरह से थ्रेड लेस अटैच्ड है, यू कैन सी। और नेक आपको मैं दिखा दूँ, इस तरह से राउंड नेक प्रोवाइडेड है और इस तरह से वाइट एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी और फिनिश्ड है। और साइड कट इज़ प्रोवाइडेड, ये स्ट्रेट कुर्ता है और यहाँ पर भी इस तरह से वाइट एम्ब्रॉयडरी है, यू कैन सी। यहाँ पर आई गेस पिकॉक बने हुए हैं, बर्ड एम्ब्रॉयडरी है और इस तरह से है, सो आई सीरियसली लव दिस। फ्रॉम बैक साइड इट इज़ टोटली प्लेन और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस वन, डेफिनेटली गो फॉर इट। इमेज में ना आपको थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि इसके साथ अंदर एक वाइट कलर का इनर भी प्रोवाइडेड है जो कि फ्लेयरी है, बट ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ कुर्ता मिलता है। डोंट मिसअंडरस्टैंड, बहुत लोग कम मतलब अमेज़ॉन के पेज पर भी कमेंट सेक्शन आप चेक कर लेना, बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपको सिर्फ कुर्ता मिल रहा है, अंदर का इनर नहीं मिल रहा है। सो यस, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट कुर्ता इज़ दिस वन, सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कारीगरी और साइज़ जो मैंने पिक किया है इट इज़ स्मॉल। ये रेयॉन फैब्रिक लग रहा है मुझे और बहुत ही फ्लोई फैब्रिक है और ये एक बेसिक कुर्ता है इन केस आपको नॉर्मली कहीं जाना है, घर में पहनना है और या फिर अगर आपको ऑफिस के लिए भी चाहिए सो आप ये वाला कुर्ता बाय कर सकते हो। यू कैन सी द प्रिंट और इस तरह से ना पिंक बेस पर, ये मुझे रेड नहीं लग रहा, ये थोड़ा पिंकिश टोन है, थोड़ा डार्कर साइड है पिंक में और यहाँ पर इस तरह से ना प्रिंट आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रिंट बना हुआ है। सो आई सीरियसली विल रेकमेंड यू दिस वन। और इस तरह से बटन से, बट दिस आर नॉट ओपनेबल, जस्ट फॉर शो पर्पस। और स्लीव्स इस तरह से दिए हुए हैं, 3/4 स्लीव्स है बट फ्लेयरी स्लीव्स है, सो लुक काफ़ी अच्छा आता है। और दिस इज़ ए लाइन कुर्ता, ओके, सो घेर काफ़ी ज़्यादा है कुर्ते में और लुक काफ़ी अच्छा आता है। लेट मी सी इफ कोई स्लिट वगैरह दी हुई है, नो इसमें कोई स्लिट नहीं है और ए लाइन कुर्ता है। फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम प्रिंटेड लुक, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कुर्ता। इन केस आपको बाय करना है तो आप डेफिनेटली बाय कर लेना, बिकॉज मतलब नॉर्मली एक अगर आपको डेली यूज़ के लिए कोई कुर्ता चाहिए सो आप ये वाला बाय कर सकते हो। इसका प्रिंट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई होप यू लाइक इट। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट ताकि आपको ऐसे और फैशन अपडेट्स मिलते रहे। और लाइक कर देना वीडियो को, लाइक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे लिंक्स आपको माई हॉल स्टोर में मिल जाएंगे, वन सिंगल लिंक, वहाँ से आप शॉप कर सकते हो। सो येस, सो स्टे होम, स्टे सेफ, और अभी तो जैसे कि केसेस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं तो आप बाहर मत जाना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा तो ही जाइए। और येस, और गणपति फेस्टिवल कैसा मन रहा है आपका मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।